जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि केतु और चंद्रमा की युति अगर जन्म कुंडली में इकट्ठी हो तो जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण बनता है, हमारे जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चंद्रमा जब भी जन्म कुंडली में केतु के साथ बैठेगा तो चंद्र ग्रहण बनेगा। ऐसे में चंद्रमा पूरी तरह से चंद्र को ग्रहण लगा होता है, यानी कि चंद्रमा अपने अच्छे फल देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता। इसमें चंद्रमा के खराब फल हमारे जीवन में आम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का जो खराब सिम्टम हमारे सामने आता है, हमारे जन्म के बाद से ही जिसकी भी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण होगा उस बच्चे के जन्म के बाद से ही उसकी माँ को सेहत से जुड़ी हुई तकलीफें रहना, और वो सेहत से जुड़ी हुई तकलीफें केतु से संबंधित होगी, यानी कि कमर पांव या गुप्तांग से जुड़ी हुई दिक्कतें बच्चे की माँ को भी देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा उसकी माँ के जीवन के अंदर तकलीफें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा हमारी माँ माना गया है। तो ऐसे में माँ को चाहे ये सेहत की तकलीफें दे, चाहे घर गृहस्थी के अंदर तकलीफें दे, चाहे धन को लेकर के बहुत ज़्यादा तंगी का सामना भी माँ को करना पड़ सकता है। और साथ ही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जिद्दीपन भी बढ़ता चला जाएगा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मन एक जगह स्थिर ना रहना, स्टेबल ना रहना, हर चीज़ को लेकर के डबल माइंडेड रहना, कन्फ्यूज रहना। पढ़ाई के अंदर भी बच्चे को अगर बोला जाए कि तू 15 मिनट भी बैठ करके पढ़ाई कर ले, ऐसे बच्चे 10 या 15 मिनट भी एक जगह टिक करके कोई काम नहीं कर सकते, हर चीज़ को लेकर के डबल माइंडेड रहेंगे, कन्फ्यूज रहेंगे। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, आगे जाके अपने करियर के बारे में उसको डिसीजंस लेने होते हैं, कौन सी फील्ड के अंदर बच्चे को स्टडी करे जिसमें उसको तरक्की मिले, अपने लिए अपनी फील्ड भी डिसाइड नहीं कर पाता, एम भी डिसाइड नहीं कर पाता, उसमें भी कन्फ्यूज रहता है। कभी सोचेगा मेडिकल कर लूँ, कभी सोचेगा मैं इंजीनियर बन जाऊँ, कभी सोचेगा मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो उस चीज़ों को लेकर के भी कन्फ्यूज़न देता है, डिसीजन पावर के अंदर कमी देता है, कॉन्फिडेंस कमज़ोर करता है। और साथ ही यही चंद्र ग्रहण घर परिवार के अंदर छोटी छोटी कमियां भी बनाता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़े क्लेह जैसे माहौल भी देता है। चंद्रमा रुपया पैसा भी है तो घर के अंदर पैसा टिकने नहीं देता, पैसे की बिना वजह की खराबी के हालात घर में आम देखे जाते हैं। जब भी केतु या खास करके चंद्रमा का समय आएगा, उसकी दशा या महादशा आएगी, उस समय के अंदर घर में पैसे के बड़े बड़े नुकसान होना या पेमेंटें फंसना, खराब होना, अटकना, इस तरह के खराब हालात रहते हैं। अगर केतु और चंद्रमा का मेल खास करके सातवें घर में हो या चौथे घर के अंदर या बारहवें घर के अंदर बन जाए, तो जब ऐसे इंसान की शादी होगी उसके बाद पति पत्नी के आपसी तालमेल भी अच्छे नहीं रहेंगे, शादीशुदा जीवन में भी तकलीफें, पत्नी के साथ हर रोज झगड़े जैसे हालात या अलग हो जाने जैसे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। चंद्र ग्रहण जब जन्म कुंडली में होगा इंसान काम करने तो जाएगा, अच्छा पैसा भी कमा लेगा, लेकिन पैसे की बरकत पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। बार बार पेमेंटें फंसना, खराब होना, या प्रॉपर्टियों के अंदर भी कई बार पेमेंटें फंसने जैसे खराब हालात देता है। ये तो हो गए चंद्र ग्रहण के सभी खराब हालात। अब चंद्र ग्रहण होने से जन्म कुंडली धर्मी कुंडली जरूर बन जाती है। अब धर्मी कुंडली का क्या अर्थ है? जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो जन्म कुंडली धर्मी कुंडली होगी, यानी कि ऐसी जन्म कुंडली में ऐसी कुंडली वाले इंसान को कभी भी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें नहीं आएंगी, कभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा नहीं घटित होगा, या किसी भी तरह से अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो ईश्वरीय मदद या किसी भी तरह से अपनों के साथ, अपनों से मिलने वाली मदद भी उसको ज़रूर मिलेगी। तो ये इसका कुछ फ़ायदा भी ज़रूर है, लेकिन चंद्र ग्रहण को ठीक कर लेना, इसके उपाय कर लेना बहुत ज़रूरी है। माँ की सेहत, घर की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी जायदाद के सुख, पढ़ाई लिखाई के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए उपाय करने ज़रूरी है। और उपाय क्या है? हर चंद्र ग्रहण पर जिस भी घर के अंदर चंद्र ग्रहण बन रहा है उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हो, या फिर हर चंद्र ग्रहण पर 400 ग्राम साबुत बादाम, 400 ग्राम सरसों का तेल, 4 सूखे नारियल, 4
400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल और 4 डिब्बी प्लेन सिगरेट जो फिल्टर के बिना होती है, इन सभी सामान को इकट्ठा करके इनको मिला करके चंद्र ग्रहण के मध्य में जब भी चंद्र ग्रहण पड़े ये उपाय जरूर कीजिए। और साथ ही ऐसे लोगों को कान के अंदर सोना जरूर पहनना चाहिए और साथ ही सुच्चा मोती सोने में लगवा करके अपनी अनामिका उंगली में पहनिए या गले में भी धारण कर सकते हो। हर रोज कुत्तों कौवों की सेवा करनी बेहद जरूरी है और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाइए। मात्र यही उपाय करके चंद्र ग्रहण के बुरे फलों से बचाव किया जा सकता है। किसी भी घर के अंदर चंद्र ग्रहण हो आप ये उपाय कर सकते हो। इसी तरह से हम और भी विषयों पर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।